राजस्थान में शिक्षा मंत्री बनने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने गृह जिले सीकर का दौरा किया। डोटासरा ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा विभाग की उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है और जल्द ही सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। डोटासरा ने कहा कि पिछली सरकार ने शिक्षा विभाग में आरएसएस की विचारधारा को थोपते हुए राजनीतिक दुर्भावना से पाठ्यक्रम में बदलाव किया, साथ ही एकीकरण के नाम पर कई स्कूलों के शिक्षकों का भी तबादला करवा दिया। कई स्कूलों को बंद करवा दिया गया, जिससे बच्चों से लेकर शिक्षकों तक की परेशानी बढ़ गई। गोविंद सिंह ने कहा कि वो एकीकरण और तबादला समेत सभी नीतियों की समीक्षा करते हुए सीएम गहलोत के निर्देश में सब कुछ ठीक करने वाले हैं। मंत्री डोटासरा ने आरटीआई के तहत गरीब बच्चों की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने और राजीव गांधी पाठशालाओं को बंद करने की समीक्षा करने की बात भी कही। गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि रीट के जरिए 26,000 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की अटकी भर्तियों पर भी जल्द ही कोर्ट का फैसला आने वाला है और जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा उसका सम्मान पूर्वक पालन किया जाएगा। डोटासरा ने मीडिया कर्मियों से बताया कि वो एक बार फिर से 2019 में ही राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।